हेलो एवरीवन। तो एफएमएस दिल्ली का जो फॉर्म आउट होगा उसका लेके थोड़ा सा मैं डिटेल्स में बात कर लेता हूँ इस वीडियो पे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नया हो। सो कैट 23 ऑलरेडी हो चुका है, तो कैट 23 इज द ओनली एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन इफ़ यू वॉन्ट टू एंट्री और इफ़ यू वॉन्ट टू डू एन MBA फ्रॉम FMS दिल्ली, बिकॉज FMS दिल्ली इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया ROI के बेसिस से। बिकॉज 2 लाख रुपये उसका फीस है एंड हाईएस्ट पैकेज इज 1.14 करोड़ एंड एवरेज पैकेज इज ऑलमोस्ट 35 to 40 lakhs। ओके, एंड डेफिनेटली इट इज़ ए TR1 बिजनेस स्कूल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली वॉट आई एम टेलिंग यू दैट इज द बेस्ट बिजनेस स्कूल इन आवर इंडिया अपार्ट फ्रॉम IIM। ओके, सो एनी वे वॉट एवर, मैं आप कभी कभी किसी को बताते नहीं है कि जो IIM अहमदाबाद बैंगलोर कलकत्ता छोड़ के FMS में जाओ, बट इट इज़ ए चॉइस। मतलब किसी किसी का चॉइस होता है। FMS में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको भाई पहले आपको जो BRC जो है उसका 40% ऑफ द स्किल्ड स्कोर का मार्क्स कैलकुलेट होगा, उसके बाद आपको DILR एंड क्वांट का 30-30 करके कैलकुलेट होगा। ठीक है, BRC अगर आपको बहुत अच्छा नहीं होगा तो FMS दिल्ली आपको मिलेगा नहीं। ओके, उसके बाद आपको आते हैं आपको 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स एंड नो वर्क एक्सिंग क्राइटेरिया। वर्क एक्सपीरियंस एक आपका है ही नहीं कुछ, ठीक है ना। मतलब क्या ना, उसका मार्क्स वो कैलकुलेट नहीं करते, उसको आपको पैरामीटर उसको लेते नहीं है। उसके बाद जैसा आते हैं जिसका कि ना दैट इज एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी, वो बिल्कुल आते हैं बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड नाउ ए डेज एज बिकॉज विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद मैं जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको, जिसके लिए मैं बहुत प्रेफरेंस करता हूँ FMS के, दैट इज द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ आपको समर इंटर्नशिप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैंपस प्लेसमेंट बिकॉज इट इज ए TR1 यू आर बिजनेस स्कूल एंड डेफिनेटली 35 to 45% ऑफ स्टूडेंट्स दे विल गेट अ प्लेसमेंट ऑफर फ्रॉम आपको जो समर इंटर्नशिप होते हैं वहीं से प्री प्लेसमेंट ऑफर से आपको मिल जाते हैं। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट एज बिकॉज ओरी तो कोई होते नहीं है। एनी वे हावर इट इज बुकअप्स में आपको अच्छे परसेंटेज आपको आ रहा है एंड आपको स्किल स्कोर भी ऑटोमेटिक अच्छा होगा, तो अब आपको FMS दिल्ली हो सकता है मिलेगा, नहीं भी हो सकता बिकॉज इसमें आपको इंटरव्यू है लेकिन SOP लिखना पड़ता है आपको FMS दिल्ली में। हावर इट इज दैट इज नॉट ए बिग मैटर, बट प्रॉब्लम इज दैट आपको अगर नहीं हुआ तो लगेगा कि इसके लिए नहीं हुआ उसके लिए नहीं है, लेकिन भाई आपको FMS दिल्ली एडमिशन लेने के लिए BRC का जो स्ट्रॉन्ग होगा उसको अगर बिल्कुल हो जाए। ओके, सो इट इज़ लाइक दैट। एंड दूसरा जो कॉलेज है उसका बिल्कुल निकलता रहेगा, मैं आपको बताते रहूँगा, बट FMS दिल्ली अभी भी निकला नहीं है, लेकिन जब निकलेगा मैं बता दूंगा आपको। एंड यू नो दैट इज आज का डेट में बहुत लगेगा कि आपको टफ हो चुका है कैट, क्योंकि मैं पहले बोला था 3.3 लाख सबको 2.8 आपको कैंडिडेट अपीयर हो चुका है। तो एनी वे वॉट एवर मे बी, टफ तो सब कुछ है। ओके, सो वन सेकेंड, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक से कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। And don't forget to hit the bell icon. Thank you. Best of luck. God bless you guys. Let's support the best. Thank you.